गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सो यस्टरडे वी हैड स्टार्टेड चैप्टर नंबर 6, लाइंस एंड एंगल्स ऑफ अवर एनसीईआरटी बुक, और उसमें हमने थोड़ा सा पिछली क्लासेस का रिवीजन किया था। क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्या होती है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, पॉइंट क्या होता है, एंगल क्या होता है, एंड ऑल दैट। नो डाउट वहां से कोई क्वेश्चन नहीं उठ के आएगा, कोई पूछेगा नहीं कि एंगल क्या होता है, बट फॉर अवर पर्सनल सेल्फ नॉलेज के लिए भाई, आगे जब हम चीजों को अब करेंगे तो क्वेश्चन जब अपन करेंगे तो वो सारी नॉलेज की वजह से हमारा आगे की नॉलेज ना हैम्पर हो, इसलिए हमने पुरानी नॉलेज का रिविजन किया था। अब एक्सरसाइज नंबर जो 6.1 है, आपके पहली एक्सरसाइज है इस पे, इस चैप्टर की, वो टोटली बेस्ड है किन किन चीजों पे, तीन चीजों पे, मतलब दो चीजें मान लो आप, है ना। एक है होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स पर बेस्ड है, और एक होता है लीनियर पेयर। तो अगर इन दो एंगल्स की नॉलेज है हमको, तो ये एक्सरसाइज 6.1 हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम एक्चुअली चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है एडजेसेंट एंगल्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के साथ ही फिर एक चीज चलती है एडजेसेंट एंगल्स, देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस। तो हेडिंग नोट डाउन कर ली सबने, आज की पहली हेडिंग एडजेसेंट एंगल्स एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। सुनिए, यस सर, ये क्या कह रहा है कि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं, ध्यान से सुनना, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट। व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, जब दो लाइनें एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है, ये दो लाइनें हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, हो रही yes, है sir. तो वो चार पेयर बनाती हैं एडजेसेंट एंगल्स के, और दो पेयर बनाती हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़े। चार जोड़े तो किसके बनेंगे, एडजेसेंट एंगल्स के बनेंगे, और दो जोड़े किसके बनेंगे, ऑपोजिट एंगल्स के बनेंगे। अब आपको, आप कहोगे सर कहाँ है इसमें चार जोड़े और कहाँ है दो जोड़े, हमें तो नहीं दिखाई दे रहे। अरे खुले में सर इनको मान रहा हूँ क्या, तो सर लाइन के बाद खुले है ना सर चार। हाँ अभी देखते हैं, अभी देखते हैं। तो अब चार जोड़े एडजेसेंट एंगल्स के कौन से बनेंगे, ये समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि एडजेसेंट एंगल्स क्या है, और दो जोड़े वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स के कौन से बनेंगे, इसको शॉर्ट में हम वी ओ ए भी बोलते हैं, वी ओ ए पूरा नाम बोलना पड़े, वी ओ ए के दो पेयर से वो बनेंगे। तो वो वी ओ ए का मतलब क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मतलब क्या है, तभी तो बता पाओगे। और एक बार अगर मैंने आपको मतलब बता दिया ना, तो आप खुद ही बता दोगे कि चार जोड़े कहाँ हैं और दो जोड़े कहाँ हैं, टोटल छह जोड़े एंगल्स यहाँ पे कैसे बन रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, अब मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ कि क्या तो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स और क्या है एडजेसेंट एंगल्स। देखिए, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो जो पेयर्स हम एंगल्स के बनाए, तो या तो हम लगते हुए पेयर्स बना सकते, लगते हुए एंगल्स के पेयर बना सकते हैं, जैसे कि ऐसे देख रहे हो, देख रहे हो बेटा, या फिर yes, हम sir. अल्टरनेट बना सकते हैं। अल्टरनेट मतलब, अल्टरनेट का मतलब एक ये बना दिया, ये छोड़ के ये बना दिया, या ये बना दिया, ये छोड़ के ये बना दिया। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, छोड़ के, एक छोड़ के। तो जब अपन छोड़ के बनाते हैं तो वो जस्ट इसके सामने बनता है, इसको कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्या कहते हैं इसको बेटा, वर्टिकली वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो दो जोड़े वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के कौन से बन रहे हैं, एक जोड़ा इसका इसका, एक जोड़ा है जिसमें दो एंगल्स हैं, एक जोड़ा इसका इसका, बन रहे हैं दो पेयर, बताओ, बोलो। जब दो लाइंस आपस में एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो, तब क्या होता है, दो पेयर बनते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के। एक पेयर ये बन गया, ये दोनों एक पेयर है, और ये एक पेयर है, ठीक है। अब एडजेसेंट एंगल्स क्या है, एडजेसेंट एंगल्स मैंने आपको क्या बताया, एक मत छोड़ो लगातार चलो। तो एक पेयर ये देखो, ये एडजेसेंट एंगल्स का पेयर है, यस और नो, इसमें मैंने कुछ छोड़ा नहीं है ना, यस सर। अगला पेयर देखो, कलर चेंज कर देता हूं, अगला पेयर है मेरा ये वाला, ये भी लगते हुए ही है, हो गए दो पेयर। थर्ड पेयर चलो, थर्ड पेयर विल बी ये वाला, इसमें भी तो कहाँ अल्टरनेट चल रहे हैं, लगातार जुड़े हुए नहीं है, एडजेसेंट मतलब ऐसे मानो लगातार जुड़े हुए, तो ये भी एडजेसेंट है, ठीक है, यस सर। और चौथा, चौथा कौन सा कलर लें, अब ये लो, ये वाला कलर ले लेते हैं, चौथा देखो ये वाला, ये भी तो एडजेसेंट है। तो चार पेयर एडजेसेंट के हैं या नहीं है, बोलो, यस सर, ठीक है ना। और अगर इसको मैं नाम दे दूं एंगल 1 2 3 4, तो ये दो, ये मान लो मैंने नाम दे दिया 1 2
थ्री फोर. तो वर्टिकली तो कौन कौन से, वन एंड थ्री, वन एंड थ्री एक पेयर और दूसरा पेयर टू एंड फोर, ये तो है वर्टिकली. यस ओ नो, ये तो है वर्टिकली. और एडजेसेंट कौन कौन से होंगे, एडजेसेंट में चार पेयर, एक तो बनेगा वन एंड टू का कॉमा, एक बनेगा टू एंड थ्री का कॉमा, एक बनेगा थ्री एंड फोर का, और लास्ट वाला बनेगा फोर एंड वन का. तो ये चार पेयर एडजेसेंट के हो जाएंगे. तो अब सबको ये चीज क्लियर है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, और कितने कितने पेयर बनते हैं जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट पे. चार पेयर एडजेसेंट के बनेंगे एंड दो पेयर वर्टिकल. चलो यहां तक लिख लिया था आपने. अब सुनिए आगे की इंफॉर्मेशन. द पेयर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स जो है ना बेटा, उसी को कहते हैं लीनियर पेयर. उसी को तो कहते हैं लीनियर पेयर, जो मैं कह रहा था ना, दो टॉपिक्स हैं, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का और एक लीनियर पेयर का. तो जो एडजेसेंट एंगल्स की बात कर रहा था ना, चार पेयर की, उस चार पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स को ही हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर कहेंगे. क्या कहेंगे बेटा, लीनियर पेयर. अब इसका नाम याद ना रहे तो देखो, इसके नाम में इसका काम छुपा हुआ है. एल आई एन ई क्या होता है, लाइन होता है. यस सर. तो जो पेयर ऑफ एंगल्स एक ही लाइन पे हों, जैसे मान लो यस, अब मैंने कहा साहब ये दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि देखो ये दोनों एक ही लाइन पे तो रेस्ट करते हैं ना. इनका टिकाव कहां पर है, एक ही लाइन पर है, ये सीधी लाइन, बोलो. तो इसीलिए तो ये लीनियर पेयर है. पेयर इसलिए है क्योंकि दो एंगल हैं जोड़े हैं, लीनियर इसलिए क्योंकि दोनों का टिकाव एक ही लाइन पर. तो ऐसे भी याद कर सकते हो, नहीं तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स को ही हम लीनियर पेयर कहते हैं. यहां तक क्लियर है? यस सर. अच्छा, यहां पे एक चीज और मैं कहूंगा. देखो कई बच्चे इसको भी लीनियर पेयर लिख देते हैं क्वेश्चंस करते टाइम. किसको, मान लो ऐसे है तो ये एक दो तीन, इन तीनों को कह देते हैं लीनियर पेयर है, क्योंकि सर तीनों है ना एक ही लाइन पे आ रहे हैं. नहीं, ये लीनियर पेयर नहीं है. लीनियर पेयर में पेयर होगा यानी दो ही एंगल्स होंगे, तीन नहीं हो सकते. ठीक है, समझ आया? लीनियर पेयर में कंपल्सरी रूप से दो ही एंगल्स होंगे एंड नॉट द थ्री एंगल्स. ठीक है, चलते हैं आगे. यहां तक कर लिया नोट डाउन? ठीक है, अब जो मैंने अभी आपको बात कही उसी को हम नोट्स में नोट डाउन कर लेते हैं. बना लीजिए फटाफट दो लाइंस, एक ए बी और एक सी डी, और उनको ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवा दीजिए जल्दी से. एक बार थोड़ा सा स्क्रॉल अप करो ना, थोड़ा सा रह गया. देखो जल्दी से, हो गया? यस सर. चलो ये दो लाइंस बनाओ, इनको ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करवाइए. इंटरसेक्टिंग लाइंस रही हैं, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं. अब यहाँ पे चार एंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है ए ओ डी, एक बन रहा है बी ओ डी, एक बन रहा है बी ओ सी, और एक बन रहा है ए ओ सी. ठीक है, ठीक है बेटा, बना लिया डायग्राम. अब पहले बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. तो दो जोड़े बनेंगे इसके, बताओ इस डायग्राम को देख के बताओ, खुद बताओगे कौन से दो जोड़े हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के. नाम बोलो एंगल्स का. नाम बोलना मैंने कल सिखा दिया था. मैंने कल नाम बोलना सिखाया सबको, है ना. एक तो ये वाला और ये वाला एंगल होगा, तो सेंटर तो ओ पे है, अगल बगल के पॉइंट कौन से हैं, ए और सी, तो इसका नाम हो जाएगा ए ओ सी. ठीक है, और दूसरा इसके सामने वाला BOD एंड एंगल BOD. तो एक पेयर है ये, तो दूसरा पेयर इधर वाला और इधर वाला बनेगा. तो नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, हेयर एंगल AOD एंड एंगल BOC आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, आर वर्टिकली अपोजिट. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, आर द पेयर ऑफ वर्टिकली अपोज, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर हैं ये दोनों मिलके, या फिर सिंपली लिख दो, समझ में आना चाहिए बस. सिमिलरली दूसरा पेयर बन रहा है AOC एंड BOD का, सेकंड पेयर इज ऑफ AOC एंड BOD. पहले कौन सा लिया हमने, AOD एंड BOC. AOD कौन सा है, AOD. अच्छा, पहले हमने ये वाला लिया, राइट एंड लेफ्ट वाला AOD एंड
बीओसी, ये राइट लेफ्ट वाला पहले लिया, और फिर कौन सा लिया साहब, एओसी एंड बीओडी, ऊपर नीचे वाला, एओसी एंड बीओडी, ठीक है। तो हो गए दोनों पेयर, नोट डाउन हो गए यहां तक। यहां तक नोट डाउन कर लिया क्या, बताओ? ठीक है, अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपने पहचान तो लिए कौन कौन से हैं, लेकिन पहचानने के बाद अब आगे क्या, आगे भी तो बताओ सर, अब पहचान तो कर ली, तो आगे अब मैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का सिस्टम बता रहा हूँ। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का सिस्टम ये कहता है कि पेयर के अंदर जो दो एंगल्स हैं वो एंगल्स आपस में बराबर होंगे। जैसे कि पहला पेयर था आपका ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों एंगल्स थे इस पेयर में, तो ये एंगल इसके बराबर होगा, और सेकेंड पेयर था ये वाला और ये वाला, तो ये दोनों एंगल्स जो इस पेयर में आ रहे हैं ये वाला, यानी ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। समझ आया? यस सर। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पहचान नहीं करना, उसका सिस्टम भी याद रखना है। तो हेयर क्या लिखा मैंने, एओडी इक्वल्स टू बीओसी, एओसी इक्वल्स टू बीओडी, ये मेन चीज है, इसको नोट डाल के लिख लो आप, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, हाँ, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में पेयर बनते हैं, जैसे ये पेयर बन गया एक और ये एक पेयर बन गया, तो पेयर में जो भी दो एंगल्स आ रहे हैं वो आपस में बराबर आएंगे, ये बात याद रखने की। केवल ये बात याद रखने की नहीं है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन से हैं, ये भी याद रखना है कि अब जो दो एंगल पहचान कर लिया आपने, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, इनकी वैल्यू इक्वल होगी, ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का है, 30 डिग्री का है तो ये भी 30 डिग्री का। क्लियर? यस सर। ठीक है ना, AOC, BOD, ठीक है। अब ऐसे कैसे, हाँ जी सर, हो गए फ्री। अब कितने बजे, 3 बजे, 3 से फिर 6, 9th। मैं सोच रहा हूँ ओके बच्चों, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पहचान ली और सिस्टम समझ लिया। सिस्टम क्या है कि दोनों इक्वल होते हैं। अब एडजेसेंट एंगल्स, जिसको अपन लीनियर पेयर भी कह रहे हैं, ठीक है। देखो, एडजेसेंट एंगल्स हमेशा लीनियर पेयर ऐसा नहीं है, एडजेसेंट एंगल्स में तो 3, 4, 5 एंगल्स आ सकते हैं। कैसे, अभी जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया जिसमें 3 एंगल्स आ रहे थे, ये 1, 2, 3, 4 एंगल्स आ गए, ये चारों ही एडजेसेंट है। ये चारों एडजेसेंट का मतलब होता है साथ लगे हुए एंगल, कुछ भी एंगल बीच में छूटे ना, एक के बाद एक लगातार लगा हुआ मिले। तो ये चारों ही एडजेसेंट एंगल्स तो हैं, लेकिन ये चारों लीनियर पेयर नहीं है, लीनियर पेयर में तो दो ही चाहिए, ठीक है। तो हमारे कोर्स में लगभग एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर ही बन के आएगा, भाई दो एंगल का ही वो कॉम्बिनेशन बन के आएगा, लेकिन एडजेसेंट एंगल्स हमेशा लीनियर पेयर होते हैं, ऐसे याद मत रख लेना, ऐसे गलत याद मत रख लेना। समझ गए बेटा सारी बात? नहीं समझे? चलो, अब उस फिगर के, सर आपकी वॉइस कट गई थी बहुत ज्यादा। वॉइस कट रही है क्या मेरी? नहीं सर, अब क्लियर आ रही है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि एडजेसेंट एंगल्स हमेशा लीनियर पेयर होते हैं, ऐसे याद मत रख लेना। एडजेसेंट एंगल्स की मीनिंग ये है, डेफिनेशन ये है कि एडजेसेंट एंगल्स वो होते हैं जो साथ में लगे हुए होते हैं, हिंदी में कहते हैं इसको संगत, संगत मतलब एक संग में है, एक साथ में है। अब वो 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से ये 3 एंगल भी एडजेसेंट एंगल्स नहीं, क्योंकि तीनों साथ में लगे हुए, लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं है। जब एडजेसेंट एंगल्स दो के कॉम्बिनेशन में आए तभी उसको लीनियर पेयर कहोगे, नहीं तो उसको सिंपली एडजेसेंट एंगल्स ही कहोगे। समझ गए? ठीक है। यस सर। अब हमारे कोर्स में जनरली लीनियर पेयर ही होंगे, दो के कॉम्बिनेशन में होंगे, लेकिन कल को 3 या 4 आ जाए तो उसको लीनियर पेयर मत करना, वो सिंपली केवल एडजेसेंट एंगल्स ही कहलाएंगे। हाँ जी, अब वहां पे 4 जोड़े कौन कौन से बन रहे हैं, तो आप, आपके पास फिगर आपने नोट डाउन कर रखा है, उससे मैच करते जाओ और लिखते जाओ। देखो, पहला बन रहा है एओडी और बीओडी, देखो एओडी एंड बीओडी, एओडी दिस वन एंड बीओडी दिस वन, एंगल पहचान कर पा रहे हो ना, ये दोनों एंगल्स जो हैं एडजेसेंट एंगल्स हैं, साथ में लगे हुए हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, बताओ। यस सर। सेकंड पेयर देखो, एंगल बीओडी, साथ में चल जाओ इधर बीओसी,
ये दोनों एंगल्स भी एडजेसेंट एंगल्स हैं और लीनियर पेयर बना रहे हैं? यस सर। थर्ड पेयर एंगल बीओसी एंड एंगल एओसी एडजेसेंट हैं और लीनियर पेयर भी बना रहे हैं? यस सर। लास्ट पेयर एओसी एंड एओडी एडजेसेंट भी हैं और लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, ठीक है? इन्हीं चारों को मैंने बस वहां पे नोट्स में लिख दिया, आप भी लिख लीजिए जल्दी से नोट डाल के। नोट यहां मत डालिए, यहाँ तो हेयर लिखिए। नोट हम तब डालेंगे नीचे अभी जब हम सीखेंगे कि अब इनका सिस्टम कैसे है। जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का सिस्टम क्या था कि वो दोनों इक्वल होते थे पेयर में, तो क्या ये भी इक्वल होते हैं या कुछ और सिस्टम है इनका, वो देखेंगे। तो एंगल एओडी एंड एंगल बीओडी फॉर्म ए लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर बनाते हैं। बीओडी एंड बीओसी फॉर्म ए लीनियर पेयर, बीओसी एंड एओसी फॉर्म ए लीनियर पेयर एंड एओसी एंड एओडी फॉर्म ए लीनियर। ये चारों एग्जांपल्स लिख लो फटाफट, मतलब चारों पेयर के नाम लिख लो। ठीक है, अब इसमें क्या सिस्टम चलता है चेक करते हैं। द एंगल्स इंक्लूडेड इन अ लीनियर पेयर आर नॉट इक्वल बट दे आर सप्लीमेंट्री। ये इक्वल तो नहीं होते हैं, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में तो वो इक्वल होते थे, यहाँ पे ये इक्वल नहीं है। जो पेयर में जो भी दो एंगल्स इंक्लूडेड है, जैसे ये दोनों हैं, ये दोनों हैं, ये आपस में सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं सबको पता होगा कि नहीं पता है? व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलो, पता है क्या सर? सम ऑफ 180, सम जिसमें 180 हो, और कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं जिसमें सम 90 डिग्री हो। तो इसमें सम 180 डिग्री हो रहा है ना चारों में, ठीक है? चारों मतलब सप्लीमेंट्री है, तो चारों में सम क्या होगा 180 होगा। यानी पहला पेयर क्या था, एओडी एंड बीओडी, इन दोनों का सम 180 होगा। अब सम 180 है तो ऐसे मत मान लेना कि ये 90 है और ये 90 है, ऐसा नहीं कहा मैंने, है ना? सम 180 है, ये कुछ भी हो सकता है, कुछ ये 10 हो सकता है और ये 170 भी हो सकता है, ये 1 डिग्री का हो सकता है और वो 179 डिग्री का भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, ठीक है? कुल मिला के दोनों का सम क्या चाहिए मुझे, 180 डिग्री चाहिए, क्लियर है? यस सर। ठीक है ना, तो दोनों बातें समझ में आ गई? अगर ये दोनों बातें समझ में आ गई तो आप बिल्कुल रेडी है एक्सरसाइज नंबर 6.1 पे आने के लिए, और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछो, ठीक है? अब ये तो थी इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात, अभी तक जो हमने बात करी है वो किसकी करी है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करी है, जो लाइंस एक दूसरे से एक पॉइंट पे टकरा जाती हैं। तो वहां पे क्या क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है, पहला कॉन्सेप्ट निकल के आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल का, और वो आपस में इक्वल होते हैं, ये और ये, ये और ये। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या निकल के आता है, लीनियर पेयर कह दो या एडजेसेंट एंगल्स कह दो, जैसे ये और ये, ये और ये, ये और ये, इनका सम क्या होता है 180 होता है, ये इसका सिस्टम है। अब नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस में भी तो कोई सिस्टम निकल के आएगा भाई, दो तरह की लाइंस सीखी थी हमने, इंटरसेक्टिंग नॉन, तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो सिस्टम आएगा वो हम अभी नहीं सीखेंगे, आफ्टर एक्सरसाइज 6.1 सीखेंगे। वहां पे कॉन्सेप्ट निकल के आएगा ट्रांसवर्सल लाइन का, तो वो एक्सरसाइज 6.2 का कॉन्सेप्ट है, उसको हम वहीं पे सीखेंगे, ठीक है? ये है हमारी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको हम बाद में देखेंगे एक्सरसाइज 6.2 में, इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, अल्टरनेट एंगल्स होंगे, ये सब बात। तो आप एक काम करो, यहां तक नोट डाउन कर लिया ना सबने लीनियर पेयर तक? अब yes, आप sir. कम से कम मैं आपको बता देता हूं, उतने पेजेस छोड़ दूं, देखो आप ऐसे देखो, अभी तक हमने टोटल कितने पेजेस लिखे हैं, ये कौन सा पेज नंबर है दिख रहा है क्या बेटा आपको, यहाँ पे चेक करो सर, 9 पेज नंबर 9 नहीं है? हाँ यस सर। तो अब आपने आपकी नोटबुक में कितने पेजेस में आए हैं, इसके 9 पेजेस है, तो आपकी नोटबुक के कितने पेजेस हुए चेक करो सर, 4 सर, 4 4 यानी लगभग हाफ में आप नोट डाउन कर पा रहे हो ना, इसमें बड़ा बड़ा है। अब टोटल कितने हैं वो देख लेते हैं सर, तो उस हिसाब से आप उतने पेजेस छोड़ देना। हाँ अब ये बताना, ये कौन सा पेज है दिख रहा है आपको यहाँ पे? 11 यानी 3 पेज हो, नहीं 2 पेज हो रहे हैं, दो पेज हो रहे हैं, तो दो पेज के लिए आप ज्यादा से ज्यादा एक पेज और छोड़ दो आपका, या दो पेज छोड़ दो देख लो, ठीक है ना? ये एक दो पेज आप इसलिए छोड़वा रहा हूं मैं, ताकि आपके नोट्स एक साथ बने रहें,
अभी आप एक्सरसाइज 6.1 करोगे, फिर बीच में वापस नोट्स करोगे, तो जब आप रिवाइज करोगे तो कंफ्यूजन होगा ना, ठीक है ना? समझ रहे हो? तो एक या दो पेज छोड़ दो, ताकि कल, मतलब कल का मतलब है कि एक दो दिन के बाद जब हम वापस ये एक्सरसाइज खत्म कर ले, तो अगली एक्सरसाइज के लिए वापस नोट्स यहीं पे नोट डाउन करता। आप एक काम करो, दो पेज छोड़ दो, है ना? हो सकता है कुछ और भी मेरे को ध्यान आ जाए लिखवाने के लिए। दो पेज छोड़ के आ जाइए एक्सरसाइज नंबर 6.1, इसको बंद कर देते हैं। लेट अस स्टार्ट अवर एक्सरसाइज। 6.1 है, सबसे पहले तो ये फिगर बना लीजिए, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फिगर बनाइए। अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है? अभी तो क्लियर ही दिख रहा होगा। हाँ जी बच्चों, फिगर बन गया। अब इसमें क्लियर फिगर यही बना हुआ है, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। जब फिगर नहीं गिवन होगा, हमको खुद को बनाना होगा, तो फिर मैं आपको फिगर बना के बताऊंगा। अभी टू सेव अवर टाइम, मैं इसे फिगर को यूज करके आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। पढ़ते हैं हम, फिगर बना लिएगा जल्दी बताओ। और फिगर ऐसे ही बनाया करो बेटा, हमेशा फिगर बनाने का सिस्टम यही नोट याद रखो कि राइट साइड में क्वेश्चन नंबर वन हमने यहाँ पे लिखा, क्वेश्चन नंबर वन लिखा, और राइट साइड में हम फिगर बनाएंगे, लेफ्ट साइड में उसका सोल्यूशन करेंगे, ठीक है ना? कई बच्चे इधर लेफ्ट साइड में फिगर बनाते हैं, वो तरीका गलत है, वो अटपटा सा लगता है ना। या तो फिर बीचों बीच बनाओ, या तो फिर बीचों बीच फिगर बनाओ और फिर नीचे से करना शुरू करो, वो तरीका भी ठीक है। और या फिर अगर आप अपनी स्पेस बचाना चाहते हैं नोटबुक की, तो राइट साइड में फिगर होना चाहिए, लेफ्ट साइड में सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है? ठीक है क्या? आवाज आ रही है मेरी? बोलते रहा करो बीच बीच में। यस सर। फिगर बन गया सबका? यस सर। ओके, अब रीड आउट करते हैं। देखो, इन फिगर 6.13, ये फिगर की बात हो रही है। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये ए बी है, ये सी डी है, ये दोनों एक दूसरे से ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, यस और नो? बोलो हाँ या ना। यस सर। यस सर। अब ये क्या कह रहा है? एओसी और बीओई का सम 70 डिग्री है। एओसी का है, एओसी एंगल पढ़ते ही उधर बन जाना चाहिए, मतलब माइंड में बन जाना चाहिए। अब आप बार बार ऐसे बनाने तो नहीं बैठोगे, तो मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ। आपके माइंड में ये एंगल बन जाना चाहिए। ये वाला एंगल हो गया एओसी, और बीओई कौन सा होगा? बी, देखो बड़ा आसान है, बीओई, बी से शुरू हो गाड़ी को, ओ पे पहुंची, ओ से ई पे गई, बन गया एंगल बीओई, बन गया बेटा? यस सर। अब इन दोनों एंगल्स का सम, इन दोनों एंगल्स का सम कितना है? 70 डिग्री है। उसमें से ये कितना है और ये कितना है कुछ पता नहीं है। हो सकता है कि ये 10 डिग्री हो, ये 60 डिग्री हो सकता है, दोनों बराबर हो, 35-35 डिग्री के हो सकता है, ये एक डिग्री का और वो 69 डिग्री इसके हो, तो ऐसा भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। एक इंफॉर्मेशन और है, वो भी पढ़ लेते हैं, कि बीओडी की वैल्यू 40 डिग्री है। बीओडी की वैल्यू 40 डिग्री है, ठीक है? यस सर। ठीक है, ये वैल्यू 40 डिग्री, तो ये वैल्यू क्लियर कट गिवन है ना आपके पास, तो क्लियर कट गिवन है तो आप भी फिगर में नोट डाउन करो। जो वैल्यू क्लियर कट आपको इन्फॉर्मेशन में गिवन है, आप फिगर में नोट डाउन करेंगे। तो इधर तो आप 40 डिग्री फिगर के अंदर नोट डाउन कर लो। वहां पे नोट डाउन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दोनों में से कौन सा कितना है पता ही नहीं हमको, इसलिए वहां तो नोट डाउन मत करो, लेकिन यहाँ पे तो नोट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे आप नोट डाउन करो 40 डिग्री। यहां तक हो गया काम? सौम्या, समझ में आ रहा है आपको? सौम्या नहीं है क्या? सर है। सौम्या बोलो। सौम्या मेरी आवाज आ रही है? सौम्या सर, शायद उसकी सर माइक में प्रॉब्लम है थोड़ी। चलो, अब ये तो हो गई गिवन इन्फॉर्मेशन। फाइंड एंगल बीओई एंड रिफ्लेक्स एंगल सीओई। अच्छा, अब ये रिफ्लेक्स वर्ड आ गया, ये क्या चीज है?
तो एक बार के लिए इस रिफ्लेक्स वर्ड को भूल जाओ, कुछ भी नहीं है ये, आप तो यही निकालो बीओई और सीओई। अब फिर रिफ्लेक्स रिफ्लेक्स क्या होता है बाद में बताऊंगा। तो आपका टारगेट है कि एंगल बीओई निकालो, एंगल सीओई निकालो, क्वेश्चन पढ़ते ही आपका एंगल यहां बन जाना चाहिए बीओई, ये वाला बन गया, और सीओई ये वाला बन गया, राइट है ना, यानी कि ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला एंगल चाहिए, ये दो एंगल चाहिए, समझ गए? समझे क्या? समझ गए? ठीक है, अब ये एंगल कैसे निकले सुनो, पहले आपको रफली बता देता हूं फिर लिखवा दूंगा। मुझे बताइए इस लाइन को अगर मैं एक बार के लिए नजरअंदाज कर दूं कि ये लाइन यहां पे है ही नहीं, भूल जाओ कि ये लाइन है, तो अब ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे या नहीं होंगे, यस और नो? यस सर। अच्छा यस सर, तो ये 40 डिग्री था गिवन है तो वो भी 40 डिग्री होगा, यस और नो? यस सर। अच्छा जी, ये 40 डिग्री निकाल लिया आपने, अब इसका और इसका सम कितना था 70, तो 70 में से अगर 70. ये 40 है तो बचा हुआ वो कितना हुआ 30, यहाँ तक कोई डाउट? ठीक है, तो एक तो आपसे पूछा था कि एंगल BOE निकालो, एक एंगल तो निकाल लिया आपने BOE 30 डिग्री, अब चलते हैं सर COE कैसे निकालें। तो COE निकालने के लिए ये एक स्ट्रेट लाइन है CD एक स्ट्रेट लाइन है, नहीं CD नहीं, ये कोई सी भी स्ट्रेट लाइन ले सकते हो आप कोई सी भी स्ट्रेट लाइन ले सकते हो, AB ले लो, चलो इस यहाँ से ज्यादा समझ आएगा। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं सबका सम क्या होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा स्ट्रेट लाइन के अंदर, चाहे से आप स्ट्रेट लाइन के अंदर 10 एंगल्स बना दो, 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी बनाओगे सबका सम कितना आएगा 180 आएगा। 180 ठीक है, ठीक है स्ट्रेट लाइन। आप यूं मान के चलो कि जब भी आधा सूरज कंप्लीट होगा, ये आधा सूरज है, जब भी आधा सूरज कंप्लीट होगा तो एंगल सम होगा 180 डिग्री, और जब पूरा सूरज कंप्लीट हो जाएगा तब सम हो जाएगा 360 डिग्री, इसका डबल। पूरा सर्किल मान लो या सेमी सर्किल मान लो, कैसे भी देख लो, सेमी सर्किल का एंगल सम 180 डिग्री, फुल सर्किल का एंगल सम 360 डिग्री। कोई डाउट यहां तक? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, वेरी गुड। तो अब आप देखिए ये आ चुका था मेरा 40, ये आ चुका था मेरा 30, तो बचा हुआ 110 हो जाएगा, तभी कि ये 40 ये 30 तो बीच वाला 110 होगा, तभी तो इन सबका एंगल सम 180 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा भाई? दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 है, जिसमें से 40 ये ले गया 30 ये ले गया, तो इसके पाती में कितने 110 डिग्री आएंगे, समझ में आई? यस सर। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्स की बात में बात नहीं करूंगा अभी, पहले इतना जितना भी हमने समझा इसको हम करेंगे। देखो बेटा इस एक्सरसाइज, इस चैप्टर की तीनों एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन तो ओरली सॉल्व हो जाएगा बिना पेन उठाए, भाई ये 40 है, ये 40 है, ये 30 हो गया, 20 हो गया, आप उंगलियों पे काउंट कर लोगे, लेकिन फिर बात आती है इसको प्रेजेंट कैसे करोगे। तो जब आप प्रेजेंट करोगे तो एक एक चीज लिखनी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया वो भी लिखना है, लीनियर पेयर का अप्लाई किया वो भी लिखना है, एडजेसेंट एंगल्स लिखे, जो भी चीज आपके माइंड में आपने उधर सोची है सब इधर लिखनी। तो सॉल्व करना और प्रेजेंट करना इस चैप्टर के लिए और यहां से आगे वाले चैप्टर के लिए बड़ा क्रूशियल टास्क है। सॉल्व कोई भी कर लेता है, अगर यही क्वेश्चन में मल्टीपल चॉइस में दूं तो आप फटाफट सॉल्व करके मुश्किल से 10 सेकंड में आंसर ले आओगे, लेकिन जब प्रेजेंट करने की बात होगी डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर, क्योंकि फिगर के अंदर बस मार्क कर दो ये 40 ये 40 ये 30 और ये 110, कितना टाइम लगा? 10 सेकंड भी नहीं लगे, 10 सेकंड भी नहीं लगे ना, लेकिन जब आप ये प्रेजेंट करोगे तो कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाएंगे। चलो अभी तो हमको ये रिफ्लेक्स वाली चीज भी सीखनी है, चलो रिफ्लेक्स वाली चीज तो बिल्कुल एंड में सिखाऊंगा जब क्वेश्चन खत्म होने वाला होगा। अब हम इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, फिगर बना लिया ना सबने, सबसे पहले हम गिवन पॉइंट्स लिखते हैं हमेशा, हमेशा क्या करते हैं बच्चों, गिवन पॉइंट्स, हेयर इट इज गिवन दैट, और राइट साइड में आपका इस वाले एरिया में तो फिगर बन जाएगा है ना, मैं बना नहीं रहा हूं क्योंकि वहां पे बना हुआ है, वहां से मैं देखता हूँ। हेयर इट इज गिवन दैट, क्या क्या चीज गिवन है, जैसे जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसे के वैसे ठोक दो आप, है ना, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड हो, लाइन्स ए बी, बिल्कुल क्वेश्चन की लैंग्वेज कॉपी पेस्ट करनी है, ज्यादा सोचना ही नहीं, इंटरसेक्ट एट ओ,
ऑल्सो कुछ एंगल्स की वैल्यू भी गिवन है क्या, एक तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री एंड वन मोर थिंग कि एंगल नीचे वाला कौन सा था जो फिक्स गिवन था, एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री, ये दोनों चीजें भी गिवन है, ठीक है। और हमको चाहिए क्या, जो चाहिए वो भी लिख लिया करो, एंड वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड, एक तो हमको चाहिए एंगल BOE और दूसरा क्या चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल COE, ये दो चीजें हमको फाइंड आउट करनी है। यहां तक क्लियर है, गिवन इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर ली हमने, क्वेश्चन सेट हो गया बिल्कुल। अब मैथ्स की नोटबुक yes, में sir. आपको नोटबुक की विड्थ अच्छी लेनी है, यहाँ से रजिस्टर चौड़ा वाला लेना है। अब तक तो अगर नहीं भी लिया तो चल जाएगा काम, क्योंकि अल्जेब्रिक पोर्शन था, अब ज्योमेट्रिक पोर्शन में आपको चौड़ाई अच्छी लेनी है उसकी, नहीं तो क्वेश्चन करने में आपको भी मजा नहीं आएगा ना समझने में मजा आएगा। कंजस्टेड वाला नहीं लेना है, अगर नहीं लिया है तो आज ही बदल, आज ही चेंज कर देना, ठीक है बच्चों। हाँ, अब सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमने किया वही करते हैं। सबसे पहले हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, उससे हमने ये दोनों एंगल्स बराबर कर दिए थे, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट कब लगता है बताओ जरा, नाउ बताओ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट कब लगता है? सब सर जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही होती है, और जब दो लाइंस एक पॉइंट पे, अरे वाटर ऊपर का दिमाग बेटा, अंश बहुत धीरे लिखते हो, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। अब बच्चे नहीं हो कि एक एक लेटर आपको दिखाएं कि ये बी है, ये डी है, ये सी है, थोड़ा सा स्पीड बनाओ। हाँ, जो बात मैं कहने वाला होता हूँ वो भूल जाता हूँ इस चक्कर में। हाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट अप्लाई कब होता है, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, और दो लाइंस यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्वेश्चन में गिवन है लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड है कि नहीं है, तो गिवन भी है लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। अब आप कहोगे सर दो दो बार क्यों लिखा, ऊपर तो गिवन इंफॉर्मेशन की लिहाज से लिखा था और अब मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं तो चीज तो गिवन इंफॉर्मेशन से ही लूंगा ना, लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ये है गिवन पॉइंट। सो यहां से वो दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे, कौन से एंगल बताओ, एक तो ये एओसी डीओबी, डीओबी भी बोल सकते हो इसको, और बीओडी भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो, लेकिन आप बोलोगे वो जो क्वेश्चन में गिवन है, जिस फॉर्म में क्वेश्चन में गिवन है वो आप बोलोगे, हमेशा याद रखना, नाम आप वही रखोगे इसका जैसा क्वेश्चन में गिवन, तो डीओबी ना बोल के बीओडी बोलेंगे। अच्छा जी, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो ध्यान से सुनना, दोनों में से गिवन कौन सा है और निकालना कौन सा है, एओसी में से गिवन कौन सा है और निकालना कौन सा है, हाँ BOD गिवन है और AOC BOD गिवन है 40 डिग्री, AOC निकालना, तो जो निकालना है वो हमेशा LHS में जाएगा, फिक्स इस चीज को गांठ बांध लो, जो भी निकालना होता है वो हमेशा कहां जाता है, LHS में जाता है, जो गिवन होता है वो RHS में जाता है, तो मैं क्या लिखूंगा, AOC बराबर BOD, एंगल AOC, सो एंगल AOC विल बी इक्वल टू एंगल BOD, और रीजन साफ साफ शब्दों में लिखोगे आप, बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। अच्छा जी, AOC तो निकालना था, एज इट इज छोड़ दो, और BOD की वैल्यू है 40 डिग्री, यहां तक कोई डाउट, तो AOC की वैल्यू भी 40 डिग्री आ गई, यस सर। ठीक है, फिर से सुनो, जो चीज निकालनी है वो LHS में मेंटेन करो, और जो चीज गिवन है उसको RHS में मेंटेन करो, ऐसा करने से क्या होता है, जो चीज निकालनी है उसकी वैल्यू सीधे आ जाती है, अरे आप उल्टा लिखते तो आंसर तो उससे भी आता है, लेकिन कंफ्यूजन ज्यादा होता है, जैसे मान लो आप BOD यहाँ लिखते, AOC यहाँ लिखते, क्योंकि है तो दोनों बराबर, कैसे भी लिख लो, तो आप 40 डिग्री यहाँ लिखते, एंगल AOC यहाँ लिखते, फिर आप एक स्टेप और बढ़ाते और उसको सीधा करके लिखते, एंगल AOC यहाँ लिखते और 40 डिग्री,
तो एक स्टेप हमारा एक्स्ट्रा होता और कन्फ्यूजन भी बनता। तो इससे अच्छा है शुरू से ही वैसे चलो कि जो निकालना है उसको LHS में रखो और जो गिवन है उसको RHS में रखो, ठीक है? यस सर। ठीक है, अब AOC आ गया 40 डिग्री। इस AOC की वैल्यू 40 डिग्री अगर मैं उस इक्वेशन में पुट अप कर दूं, किसमें? इसमें, इसके अंदर में ये 40 डिग्री यहां पुट अप कर दूं, तो इस BOE की वैल्यू 30 डिग्री आ जाएगी। हाँ जी, yes, BOE तो निकालना है आपका, पहला टारगेट तो आपका BOE था। तो अब चलते हैं उस इक्वेशन की तरफ। नाउ एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्रीज है, ये भी गीवन है साहब, मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूं, चेक कर लो चाहे से, गीवन। ठीक है, दैट इज, अब AOC की वैल्यू 40 डिग्री आपने निकाल लिया, फुट अप कर दो, तो 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। अगेन देखो जो चीज मुझे निकालनी है मैंने LHS में रखी है, मुझे BOE निकालना था तो मैंने ये चीज LHS वाली साइड में ही रखी, ठीक है ना? हमेशा यही ट्रेंड फॉलो होता है, जो निकालना होता है उसको LHS में फॉलो कर लिखने का सिस्टम बनाते हैं। अब 40 डिग्री वहां जाएगा तो उधर जाके माइनस हो जाएगा या प्लस में, तो इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है ना हमने लीनियर इक्वेशंस में, बोलो। 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री और 70 डिग्री माइनस 40 डिग्री क्या होता है? 30 डिग्री। तो एक आंसर तो यहाँ आ चुका है आपका, BOE पूछा था आपसे, आपने निकाल दिया 30 डिग्री। कोई डाउट यहां तक? नो सर। सौम्या मेरी आवाज आ रही है अभी आपको? यस सर। तो इतनी देर से क्यों नहीं बोल रहे थे हम? हमारे गले में दर्द हो रहा है। गले में दर्द हो रहा है, तबीयत सही नहीं है मतलब? ओके, तो एंगल BOE इक्वल्स टू 30 डिग्री, ये एक एंगल तो हमने फाइंड आउट कर लिया। चलते हैं अगला एंगल क्या था, रिफ्लेक्स COE। तो मैंने क्या कहा, रिफ्लेक्स वर्ड को तो भूल जाओ एक बार, COE की बात करते हैं। तो COE निकालने के लिए हमने क्या लॉजिक लगाया कि यार इसका 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 तीनों का एंगल सम तो क्या है 180 डिग्री। इसमें सर ऐसे भी कर सकते हैं ना, COD को लाइन ले ले अपन, वैसे भी कर लो और COE से निकाल लो। हाँ, इन तीनों का एंगल सम कर लो। मैंने क्या कहा, स्ट्रेट लाइन लेनी पड़ेगी कोई से भी, या तो उसको स्ट्रेट लाइन ले लो, इन तीनों का 180 कर दो, और या फिर BOC COD स्ट्रेट लाइन ले लो, उसमें इन तीनों का सम 180 कर, दोनों में से किस, क्योंकि इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू अभी अभी निकाली है, तो तीसरे की वैल्यू उससे भी निकल जाएगी, कैसे भी कर सकते, ठीक है? तो अब अपन AOB स्ट्रेट लाइन ही ले लेते हैं। नाउ कौन से तीन एंगल है, नाम बोल दो जरा जल्दी से। पहला एंगल कौन सा है? AOC कॉमा, दूसरा कौन सा है जो निकालना है हमको? COE है शायद, है ना? COE एंड तीसरा कौन सा है? BOE, यही है? यस सर। ये तो हो गया AOC, ये दूसरा COE और तीसरा BOE, ये तीनों स्ट्रेट लाइन पे लाया करते हैं, है ना? लाए, ऐसे लिखो, लाए ऑन द स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन भी लिखनी पड़ेगी, कौन सी है? AOB, सीधी लाइन कौन सी कंसिडर करी हमने? AOB, तो लाए ऑन द स्ट्रेट लाइन AOB। तो अगर ये लाए ऑन द स्ट्रेट लाइन AOB करते हैं, सो इन तीनों का एंगल सम हो जाएगा 180 डिग्री, सो एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, इसका रीजन बता सकता है कोई, क्या रीजन लिखेंगे हम, क्यों है इनका एंगल सम 180 डिग्री? एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ऐसा नहीं कहा मैंने। देखो एडजेसेंट एंगल्स अलग चीज है, एडजेसेंट एंगल्स मतलब लगे, मैंने कहा था लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है, समझ रहे हो? लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री। इसका रीजन हम ये लिखेंगे कि ये तीनों मिलके सेमी सर्किल कंप्लीट कर रहे हैं, ये तीनों मिलके क्या कंप्लीट कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं, तो स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स आएंगे तो सेमी सर्किल कंप्लीट करेंगे। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें तीन या चार या पांच, तीन या तीन से ज्यादा ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्री एंगल्स हो और उनका सम 180 डिग्री हो, तो हम जनरली 99% रीजन लिखते हैं एंगल्स इन सेमी सर्किल, सेमी सर्किल के एंगल्स हैं तो उनका सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक है? और अगर यहां पे दो होते तो क्या रीजन लिखते, मतलब ये नहीं होता, फिर लीनियर पेयर लिखोगे, वेरी गुड,
दो के केस में आप क्या लिखोगे, लीनियर पेयर दो से ज्यादा होते ही, फिर चाहे तीन हो चार हो पांच हो छह हो, पेयर तो लिख नहीं सकते, पेयर जोड़े में तो दो ही आते हैं, तो फिर हम लीनियर पेयर ना लिख के क्या लिखेंगे, एंगल्स इन सेमी सर्कल। क्लियर है ये चीज? इस चैप्टर इस एक्सरसाइज में लगभग लगभग हर एक क्वेश्चन में एक बार एंगल 180 डिग्री लग ही रहा है, एक ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसमें नहीं लग रहा है, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, फिर आपसे पूछूंगा आप नेक्स्ट टाइम कि बताओ क्या रीजन लिखेंगे। समझ में आ गया ना कहाँ क्या रीजन लिखेंगे? यस सर। दो हो तो लीनियर पेयर, दो से ज्यादा एंगल्स हो, तीन चार पांच कितने भी हो, तो फिर एंगल्स इन सेमी सर्कल। चलिए, एंगल एओसी की वैल्यू हमने पहले निकाली थी 40 डिग्री, ऊपर निकाली हुई है, चेक कर लेना। एंगल सीओई तो आपको वैसे ही निकालना है, एंगल सीओई तो वैसे ही निकालना है, और एंगल बीओई अभी अभी निकाला है कितना, 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक ही एंगल मिसिंग है। 40 प्लस 30 कर दो 70, प्लस एंगल सीओई इक्वल टू 180 डिग्री, तो सीओई की वैल्यू हो जाएगी 70 को वहां पहुंचा दो, 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री क्या होता है, 180 माइनस 70 110। क्लियर है यहां तक? तो अब कई बच्चे इतना ही करके छोड़ देते हैं कि सर आ गया आंसर 110, पर गलत है। क्यों गलत क्यों है बताओ? उसने सीओई तो पूछा ही नहीं था, उसने पूछा था रिफ्लेक्स सीओई। क्या पूछा था उसने? बोलो, रिफ्लेक्स सीओई सर, रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? अब बताएंगे ना, यही हुई, ये हुई ना कुछ क्वेश्चन पूछने वाली बात। अब पूछा है आपने तगड़ा वाला क्वेश्चन कि सर रिफ्लेक्स का मतलब तो बता दो, तो चलो फिर कॉन्सेप्ट पे चलते हैं पहले, है ना। देखो बेटा, ये खाली जगह पे आ गया मैं, बिल्कुल नए सिरे से समझो रिफ्लेक्स क्या होता है। मुझे बताओ ए ओ बी, यहाँ पे वर्टेक्स ओ पे कितना एंगल बन रहा है? 90 से कम नहीं, जीरो से डाल जा। कितने एंगल्स बन रहे हैं? एक बन रहा है, दो बन रहा है, तीन बन रहे हैं, चार बन रहे हैं, सर वन एक एंगल बन रहा है, जिसको हम क्या देंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, एंगल ए ओ बी, है ना, या सिंपली हम उसको एंगल ओ बी बोल सकते हैं, क्योंकि हमने सीखा है कि एंगल को हम सिंगल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं इफ देयर इज वन एंगल, सिंगल एंगल ओ, एक ही एंगल, तो एक ही तो है यहाँ पे, आपने तो कहा एक ही है, तो एंगल ओ। यस सर। अब मेरी नजर से देखो तो एक और है, ये भी तो एंगल है। उल्टा चलो भाई, आप यहां से यहां गए, आप यहां से स्टार्ट करके यहां तो जाओ एक बार, तो ये पीछे वाला एंगल भी तो है, इस पीछे वाले एंगल को कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल, और इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू जो होती है 180 से 360 के बीच में लाया करती है, 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में इसकी वैल्यू कहीं भी लाया कर सकती है। और इसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है, आप अंदर वाला एंगल निकाल के, ये पूरा सर्किल 360 का है, 360 में से अंदर वाला माइनस कर दो तो पीछे वाला रिफ्लेक्स एंगल पता चल जाता है। क्या समझे? अंदर वाला निकाल ही लिया आपने अभी, उसको किस में से माइनस कर दूं मैं, 360। अब उस फिगर में अगर मैं देखूं, उस फिगर में कहां आ रहा है वो रिफ्लेक्स एंगल, इमेजिन करो COE तो ये था, COE के बीच में। अब इस COE को पीछे से देखो तो पीछे से कुछ ऐसा एंगल बन रहा है, ये पूरा तो सर इसके अंदर सर बीच में एंगल्स भी तो आ रहे हैं सर, ये सब ऐड होंगे, ये सब ऐड होंगे, तो आप चाहो तो अलग अलग ऐड कर लो, ये ऐड कर लो, ये ऐड कर लो, ये ऐड कर लो, ये चारों ऐड कर लो, और नहीं तो सिंपल सी बात है भैया, पूरे सर्किल का एंगल सम 360 होता है, इतना तो निकाल ही लिया आपने 110, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, 360 में से 110 माइनस कर दो, ये सबसे आसान तरीका है रिफ्लेक्स एंगल निकालने का। समझ गए सर? इसमें सर ए ओ बी सर वो सी ओ ई के बराबर होगा क्या? ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी तो बेटा स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री का होगा। नो सर, ए ओ डी, ए ओ डी, ए ओ डी किसके बराबर बता रहे हो आप? सी ओ ई, सी ओ ई क्यों बराबर होगा बेटा? आप खुद सोचो, आप खुद सोचो भाई, सी डी तो चलो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन क्या ए ओ ई स्ट्रेट लाइन है? दो स्ट्रेट लाइन से बराबर हो, दो स्ट्रेट लाइन से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं भाई, ये दो स्ट्रेट लाइन है तब ये दोनों बराबर होंगे। मान लो एक तो स्ट्रेट लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, यूं जाके यूं चली गई, तो ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनाएगी नहीं ना। यस सर। ठीक है, अब आप देखो, आप जो दो एंगल्स बता रहे हो, एक तो आप बता रहे हो ये वाला और दूसरा कौन सा बताया आपने, ये वाला,
तो ये दोनों एंगल्स कैसे बने? चलो CD तो मान ली स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये AO, AO से फिर ये डायरेक्शन चेंज हो गया ना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, नहीं तो तीन लाइंस हो गई AO, OE और CD, जबकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दो लाइंस के इंटरसेक्शन से बनते, तीन लाइंस के इंटरसेक्शन से नहीं बनते, ठीक है? तो ये इक्वल नहीं होंगे सर, इसमें फिर COB होगा सर, COB, COB देखो, COB, हाँ बिल्कुल ऑब्वियसली ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि ये वाला एंगल इस स्ट्रेट लाइन और इस स्ट्रेट लाइन के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, ऐसे ऐसे ये वाला इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा, ये इसके बराबर होगा, सही कह रहे हो, पर वो निकालना ही नहीं है तो क्यों हम उस और दिमाग लगाएं, अगर पूछ ले तो निकाल लेना, अभी हम दिमाग लगाते हैं, हाँ हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफ्लेक्स एंगल COE, तो रिफ्लेक्स एंगल COE कैसे निकालेंगे हम, हमने ओरिजिनल एंगल COE निकाल लिया, हम हर क्वेश्चन में यही करेंगे, जब भी रिफ्लेक्स पूछेगा हम रिफ्लेक्स को इग्नोर करके ओरिजिनल निकालेंगे, ओरिजिनल निकालने के बाद रिफ्लेक्स निकालेंगे, कैसे? सो रिफ्लेक्स एंगल COE बराबर हो जाता है 360 माइनस COE, जो COE निकाला है उसको 360 से माइनस करो तो रिफ्लेक्स COE आ जाएगा, COE, COE, तो 360 में से COE कितना निकाला आपने, 110, क्या आंसर आएगा 270 डिग्री, अब ये फाइनल आंसर है, आप मैच कर लो पीछे से आंसर की से। सर 250 है। यस सर। अच्छा, गलत कर दिया, सॉरी सर, 10 जोड़ दिया मैंने, कैलकुलेशन एरर, 250, ठीक है अभी? यस सर। मैच कर लिया पीछे से? अच्छा 250 जो आपने करेक्ट करवाया वो आंसर की देख के करेक्ट करवाया या माइनस करते टाइम पकड़ लिया था? सर अभी सर माइनस करते टाइम माइनस किया, पकड़ लिया, ठीक है, अच्छी बात है। हाँ जी, तो दो आंसर हैं, पहला आंसर है 30 डिग्री, एंगल BOE की वैल्यू 30 डिग्री और रिफ्लेक्स एंगल COE की वैल्यू 250, ठीक है, दो पूछे थे, इसका आंसर तो आया 30 डिग्री, इसका आंसर क्या आया 250 डिग्री। अब इस पॉइंट को लिखना जरूरी है कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, तो आपने जहाँ नोट्स बनाए हैं वहां पे आप एक नोट डाउन करके लिखिए, एक ही लाइन में खत्म कर देंगे हम इसको, ताकि रिविजन करते टाइम और आपके नोट्स में कोई भी चीज कभी मिसिंग ना रहे। जहां पे हमने एडजेसेंट और वो लिखा ना, खत्म किया आज, उसी के नीचे लिख लीजिए आप, यहां पे खत्म किया था, इसके नीचे लिखते हैं हम नोट, नोट डाल के मैंने लिखा है, द सम ऑफ एनी एंगल, कोई भी एंगल हो, द सम ऑफ एनी एंगल एंड इट्स रिफ्लेक्स एंगल, और उसी का ही रिफ्लेक्स एंगल हो, कोई भी एंगल हो और उसी का ही रिफ्लेक्स एंगल हो एंड इट्स रिफ्लेक्स एंगल, तो उन दोनों का सम क्या आता है 360 डिग्री, क्योंकि किसी भी एंगल के साथ उसी का रिफ्लेक्स जोड़ दोगे तो फुल सर्किल कंप्लीट हो जाएगा, होगा नहीं होगा? yes, यानी कि इसको अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिखूं, इस चीज को अगर अपन मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, दैट इज कोई भी एंगल ले लो, तो ए ले लेता हूं मैं, एंगल ए प्लस उसी का ही रिफ्लेक्स ले लो, रिफ्लेक्स एंगल ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। अब सपोज करो इसमें से ए निकाल लिया, रिफ्लेक्स निकालना है तो 360 में से ये ए माइनस कर दो, और उल्टा हो, मान लो कि रिफ्लेक्स ए निकाल लिया और ए निकालना हो तो फिर रिफ्लेक्स ए को माइनस कर दो, कुल मिला के 360 में से किसी भी एक चीज को माइनस करोगे तो दूसरी चीज आ जाएगी, 360 में से अगर ए को माइनस कर दोगे तो रिफ्लेक्स ए आ जाएगा, और अगर 360 में से रिफ्लेक्स ए को माइनस कर दोगे तो ए आ जाएगा, ओरिजिनल एंगल ए, समझ में आया? यस। ठीक है, समझ आया, तो रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट अब क्लियर है सभी को, या कोई कंफ्यूजन है?
कोई कंफ्यूजन है क्या? बोलो। और इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ लाया करेगी? 180 से 2360, तो वो पॉइंट भी डाल के लिख लीजिए। ऑल्सो द वैल्यू ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल, द वैल्यू ऑफ ए रिफ्लेक्स एंगल varies from, क्योंकि खुद 180 भी तो हो सकती है ना, varies from 180 degree to 360 degree, यानी 180 और 360 के बीच का एंगल ही होता है हमेशा रिफ्लेक्स एंगल। तो कल तक हमने तीन कैटेगरी सीखी थी, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? 90 से छोटा। राइट एंगल क्या होता है? एग्जैक्टली 90। और ऑब्ट्यूज क्या होता है बोलो? ऑब्ट्यूज क्या होता है? अबाउ 90, लेकिन लेस देन 180, वो बोलना भी जरूरी है। अबाउ 90 तो कुछ भी हो सकता है ना, अभी 250 भी तो अबाउ 90 है। अबाउ 90 लेकिन लेस देन 180, ठीक है ना, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 से ज्यादा, 180 से बड़ा। अगर अपन इसको क्वाड्रेंट सिस्टम में ड्रॉ करें तो इससे छोटा एंगल हो गया एक्यूट एंगल, एग्जैक्टली ये 90 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट में यानी 90 से बड़ा और 180 से छोटा इस क्वाड्रेंट में रहोगे तो ऑब्ट्यूज एंगल रहोगे, और इसके बाद वाले दोनों क्वाड्रेंट जो होंगे वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। 180 से 360 क्या कहलाएंगे? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। ठीक है, अभी रिफ्लेक्स एंगल का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है? यस। ठीक है, चलो इसको कर दो क्लोज। टाइम हो गया क्या आज का? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करेंगे। अगर आपकी स्कूल की क्लास है तो बेटा आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट तो कर दो क्वेश्चन को और स्पीडली कर लेंगे हम। अगर रह जाता है तो आप छोड़ के स्कूल की क्लास ज्वाइन कर लेना, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर आप वीडियो देख के कर सकते हो उसको कम्प्लीट, है ना। तो जिसको लीव करना है वो लीव कर सकता है। मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ। इस फिगर को ड्रॉ करो फटाफट। यश, आपके अगर स्कूल की क्लास कंपलसरी है तो आप एक बार वो ज्वाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वीडियो देख के कंप्लीट कर लेना इस क्वेश्चन को। कम से कम दो क्वेश्चन तो करें इंट्रोडक्शन में। हाँ, ये वाला फिगर ड्रॉ करो जल्दी से। अब इसमें भी फिगर बना बनाया है तो इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ। अच्छा, ये जो एक डब्बा बना रहता है इसका मतलब क्या होता है समझते हो ना? ये 90 डिग्री का डब्बा होता है। 90 डिग्री है ना, कहने की जरूरत नहीं है कि एंगल POY 90 डिग्री है। अंडरस्टूड हो गया ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर टू इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। बन गया फिगर? यस सर। कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि सर आपने तो कहा था कि एंगल को बड़े लेटर से डिनोट कराते हैं, इन्होंने तो छोटे लेटर्स को करवा रखा है। तो बेटा एंगल को तो बड़े लेटर से ही करते हैं, सुनो। एंगल को तो बड़े लेटर से डिनोट कराएंगे। इस एंगल को हम जब लिखेंगे तो बड़े लेटर में ही लिखेंगे, एंगल POM। इसकी वैल्यू जो भी आनी है, इसकी वैल्यू जो भी आनी है, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, उस वैल्यू की जगह वहां पे A लिखा हुआ है। यानी A एक नंबर है यहाँ पे, A एक यहाँ पे नंबर है। आप देखो, डिनोट तो आप कैपिटल लेटर से ही करा रहे हो ना अभी भी, समझ गए? Yes, sir. एंगल को डिनोट स्मॉल लेटर से कभी नहीं होगा, कैपिटल लेटर से ही होगा। आगे वाली चीज तो कुछ नंबर आना चाहिए था, जैसे 30 डिग्री, 40 डिग्री, वो नंबर ना देके उस नंबर की जगह एक वेरिएबल क्वांटिटी दे दी A या फिर बी। यस, ठीक है, फिगर बन गया सबका। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन फिगर 6.14 लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट O। एक्स वाई ये है और एम एन ये है, ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट करती है भैया? O पे। तो जब ये ओपन इंटरसेक्ट करेगी, दो लाइंस हो गई जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये तो हो गए वर्टिकली अपोजिट, हो गए ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। पढ़ते ही ये चीज माइंड में आ जानी चाहिए, हो गए ना कि नहीं? वे बताओ कौन कौन से हुए वर्टिकली अपोजिट? एक्स वाई, इमेजिन करो। अब इस लाइन को आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा उसके लिए, तभी इमेजिनेशन हो पाएगा। क्या होता है कि जब फिगर दो होते हैं ना, तब तो इमेजिनेशन हो जाता है। जब फिगर एक दूसरे के घुसे हुए होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, तो फिर वो समझ में नहीं आता। तो एक बार इग्नोर करो इसको। इग्नोर करते ही अब आपके सामने एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई। अब आप मानो वो जो लाइन मैंने इग्नोर करी वो है ही नहीं वहां पे। अब आप चेक करो,
तो एक एंगल ये, एक एंगल ये दोनों हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। बोलो सर, MOY और MOY नहीं, हाँ वो दूसरा पेयर है ना, इस पेयर की बात कर रहा हूं मैं, MOX और NOY एक पेयर ये, दूसरा पेयर MOY मतलब ये और ये, MOY और XON, ठीक है समझ में आया? Yes, आगे sir. पढ़ते हैं। अब देखो इन्फॉर्मेशन में गिवन में भी है कि एंगल POY 90 डिग्री है और वैसे फिगर के हिसाब से भी दिख रहा था, फिगर बिल्कुल एग्जैक्ट यही बनाना, जहां पे ये डब्बा बना हुआ है डब्बा बनाना, ए है तो ए, बी है तो बी, सी है, सेम टू सेम फिगर बनाना। अच्छा जी, ए और बी का रेशियो दे दिया साहब कितना, 2:3, 2:3, ए और बी का रेशियो कितना दे दिया, 2:3, और वैल्यू पूछी है सी की, वैल्यू किसकी पूछी है, एस सी की, ठीक है शुरू करें। यस सर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, गिवन इन्फॉर्मेशन नोट डाउन करते हैं, हेयर इट इज गिवन दैट, राइट साइड तो आप फिगर बना ही लोगे ना, हेयर इट इज गिवन दैट। सबसे पहले लाइंस की बात कर लेते हैं कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हम सबसे पहले क्वेश्चन से नोट डाउन करेंगे, ठीक है। ऑल्सो अगली इंफॉर्मेशन क्या है कि एंगल POY 90 डिग्री है एंड कुछ रेशियो भी गिवन है मुझे, A:B का 2:3, ये दोनों भी मुझे गिवन है, एंड क्या निकालना क्या है, सी निकालना। ये हो गया क्वेश्चन सेट, जो गिवन था वो गिवन पॉइंट्स में डाल दिया, जो पूछ रहा है उसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये क्वेश्चन सेट हो गया बिल्कुल, मामला फिक्स हो गया, ठीक है शुरू करें हम। यस सर, ठीक है। तो पहले मैंने क्या कहा, हमेशा आप फिगर को देख के रफली अपने माइंड के अंदर कैलकुलेशन करेंगे, और एक बार कैलकुलेशन हो जाती है तो फिर उसको लिखना शुरू करेंगे। तो मैं माइंड के अंदर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मुझे बताओ इन तीनों एंगलों का सम कितना होगा, 180, वेरी गुड वेरी गुड, 180 में से 90 तो वही ले गया। यस सर, तो बचे हुए इन दोनों एंगल का सम भी 90 ही बचा, 90 तो वो ले गया। यस सर, अच्छा जी, ए और बी का सम 90 है, मतलब ये कहना चाह रहे हो, ए और बी का सम 90 है और ए और बी का रेशियो भी गिवन है, तो अगर दो चीजों की का सम गिवन हो और दोनों चीजों का रेशियो गिवन हो, तो वो दोनों चीजें अलग अलग निकाली जा सकती है कि ए कितना है बी कितना है, इजीली। यस सर, कैसे, अगर ए निकालना हो तो 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियोज 5 इंटू वैल्यू क्या थी 90, और बी निकालना हो तो बी की रेशियो क्या है 3 डिवाइडेड बाय वही सम ऑफ रेशियोस इनटू 90। इस तरीके से हम ए और बी दोनों अलग अलग निकाल सकते हैं। यस सर, सर इसमें ऐसे भी कर सकते हैं ना कि ऐसे लिख दिया 2x + 3x + 90 = 180। हाँ वैसे भी कर सकते हो, पर वो लेंथी तरीका है, और वो जब अपन बचपन में सॉल्व करते थे ना, छोटे बच्चे थे जब अपन एक्स लेते थे, वैसे भी कर सकते हो ना, लेकिन अब जब अपन बड़े हो गए हैं तो अब ये छोटी मोटी चीजें एक्स एक्स देना छोड़ दो, आप तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, अगर दो चीजों का रेशियो गिवन है या तीन चीजों का या चार चीजों का जितने भी चीजों का रेशियो गिवन है और उनका सम भी गिवन है, दोनों चीजें गिवन है, तो उनमें से हर एक चीज अलग अलग निकाली जा सकती है। जैसे ए निकालना है तो ए का रेशियो ले लो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सम ऑफ रेशियोज इंटू उसका जो भी सम गिवन है, बी निकालना है तो बी का रेशियो 3 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में सम ऑफ रेशियोज और इंटू जो भी उनका सम गिवन है। इज दैट क्लियर? यस सर। अब हितेंद्र आप कुछ और पूछ रहे थे या यही बात पूछ रहे थे? सर यही पूछा था, ठीक है। अच्छा अब देखो, ए और बी निकाल सकते हो वो बात ठीक है, लेकिन ए निकालो ही क्यों, ए निकालने की जरूरत ही क्या है भाई, ये भी तो देखो ना काम क्या आएगा, आपको तो सी निकालना था ना भैया, तो सी निकालने के लिए तो आप केवल ये लीनियर पेयर देखो ना, इस लीनियर पेयर के अंदर अगर आप बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लो तो 180 में से बी माइनस करके सी आ जाएगा। वैसे तो NOY ही है वो, वैसे तो वो NO, अच्छा इसकी वैल्यू उसके बराबर कह रहे हो, हाँ वो भी कर सकते हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो रहे हैं ये और ये, लेकिन उधर भी क्यों जा रहे हो भाई, जितना हो सके शॉर्ट में चलो ना, ठीक है। तो ये लीनियर पेयर मुझे दिख गया, क्या कह रहे हो, वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये सर वर्टिकल अपोजिट ही कह रहा है सर, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल थे क्या, ये और ये मुझे बताना, ये और ये एंगल्स किस लाइन से बने हैं। नो सर, सर पहले एक ही निकाल दो और फिर 90 में प्लस करके सी की निकाल दो। एक तो पहले तो क्या निकालूं मैं, सर इसमें सर
सर ऐसे कह रहा है कि a की वैल्यू निकाल कर उसमें 90 प्लस कर दो तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल c की वैल्यू निकल जाएगी। फिर हो सकता है कि आप है ना b ना निकाल के a निकालो, a निकाल के इस 90 में जोड़ दो तो ये पूरा एंगल आ गया। अब ये पूरा एंगल इस पूरा एंगल के बराबर है क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। वैसे भी सी निकाला जा सकता है, ये तो हो गया वर्टिकली अपोजिट वाला तरीका। आप लीनियर पेयर वाले तरीके से करो तो फिर ए मत निकालो, फिर बी निकाल लो और बी निकालने के बाद उसको 180 से माइनस कर दो क्योंकि बी और सी मिलके लीनियर पेयर बना रहे, उससे भी सी आ सकता है। तो ज्यादा आसान तरीका मैं समझूंगा कि लीनियर पेयर वाला दिख रहा है, वो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। क्लियर है? यस सर। चलिए तो सबसे पहला काम तो मैं ए और बी का सम निकालता हूँ। हेयर तीन एंगल्स स्ट्रेट लाइन पे फॉलो रहे, नाम बोलो। पहला एंगल है एम ओ एक्स, फिर बीच वाला एंगल एम ओ पी, एम ओ पी एंड द लास्ट वन जो 90 डिग्री के बाद, हाँ 90 डिग्री की बन था पीओ वाई। लाई ऑन स्ट्रेट लाइन, लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का नाम भी बताओ। एम एन एक्स एक्स वाई एक्स ओ वाई एक्स ओ वाई, ठीक है। सो इन तीनों का एंगल सम हो जाएगा 180 डिग्री। रीजन आप जानते हो, पिछले क्वेश्चन में करके आए हो। बोलो क्या रीजन होगा, बोलो। एडजेंस एंगल ना, एंगल्स इन ए सेमी सर्किल, एक ही क्वेश्चन में भूल गए। एडजेसेंट एंगल्स, ये वाला रीजन हम कहीं भी नहीं लिखेंगे, हम दो ही रीजन लिखेंगे, या तो हम लिखेंगे लीनियर पेयर या हम लिखेंगे एंगल्स इन ए सेमी सर्कल। लीनियर पेयर तब लिखेंगे जब दो एंगल्स हो, एंगल्स इन ए सेमी सर्कल तब लिखेंगे जब दो से ज्यादा हो। क्लियर है सभी को? यही सबसे राइट तरीका है, ठीक है? ठीक है, क्या आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, अब इसमें से किस किस की वैल्यू है हमारे पास? एम ओ एक्स की वैल्यू जो है, वैसे तो नहीं है लेकिन वैसे लेटर फॉर्म में है ना। एम ओ एक्स की वैल्यू बी, देखो ये एम ओ एक्स की वैल्यू, वैसे तो वैल्यू पता नहीं है लेकिन लेटर फॉर्म में तो पता है। क्या लेटर मार्क किया उसने? बी। तो एंगल एम ओ एक्स की जगह मैं बी लिख सकता हूँ, प्लस एंगल एम ओ पी की जगह ए लिखा हुआ है, ए लिख सकता हूँ, और पी ओ वाई तो गिवन है 90 डिग्री, यहाँ तक कोई डाउट? इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब ये बी प्लस ए को सीधा करके लिख देता हूँ मैं, ए प्लस बी, और 90 को वहां भेज देते हैं। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू हो गई 90। ए और बी का सम आ गया 90 डिग्री, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नाउ अब ए और बी का सम गिवन है और ए और बी का रेशियो भी गिवन है, 2:3, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है। तो मैंने क्या कहा, सम और रेशियो गिवन हो तो दोनों अलग अलग निकाल सकते हो। आप डिसाइड करो, आप ए निकाल के चलोगे या बी निकाल। मैं यहाँ पे दोनों ही निकाल देता हूँ फिर आप कौन सा रास्ता चुनोगे आपकी इच्छा, ठीक है? तो ए निकालना हो तो क्या करेंगे हम, ए का रेशियो क्या है 2, सम ऑफ रेशियोज क्या है 2+3 5 इंटू 90। तो 5 से 1 टाइम, 5 से कितनी बार जाएगा 18 बार, 18 × 2 = 36 डिग्री। तो ए की वैल्यू तो आ गई 36 डिग्री। बी निकालते तो क्या करते, बी का रेशियो क्या है 3/5 × 90, वही 18, और 18 × 3 = कितना होता है 54 डिग्री। आप चेक कर सकते हो फिर से दोनों का सम 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 36 और 54 90 आ रहा है ए प्लस बी का सम, यस ऑर नो? बोलो। यस सर। ठीक है, अब अगर आप ए से आगे चलो तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, बी से आगे चलो तो लीनियर पेयर। मैं यहाँ पे बी से आगे चल रहा हूँ, आप चाहो तो एग्जाम में उल्टा भी कर सकते हो ना, और एग्जाम में आप वही लिखना जिससे, जैसे मान लो आप बी से आगे चलना चाह रहे हो तो फिर बी की वैल्यू लिखना, फिर ये फालतू फालतू ए की वैल्यू लिखना भी मत, क्योंकि जबरदस्ती जो चीजें की जरूरत नहीं वो नहीं लिखते। और अगर ए से चल रहे हो तो फिर बी मत लिखना। मैं अभी क्वेश्चन करने के लिए मैंने दोनों लिखवा दिए ताकि आपको माइंड में रहे कि आप दोनों तरीके से आगे चल सकते हैं। तो मैं बी से आगे चल रहा हूँ, तो बी से आगे चलेंगे तो मैंने ये देखा कि यार ये बी और ये सी इनका सम आ रहा है 180 डिग्री। तो कौन कौन से एंगल्स हैं ये, एंगल एम ओ एक्स, पहले तो एंगल का डिनोट करो, और नीचे वाला एंगल क्या लिखोगे, एक्स ओ एन, यही लिखोगे एम ओ एक्स और एक्स ओ एन, बोलो यही बोलोगे, बोलो। तो लिखो नाउ एंगल एम ओ एक्स एंड दूसरा क्या नाम था, एंगल एक्स ओ एन,
form a linear pair. ये linear pair बना रहे हैं, तो अगर ये linear pair बना रहे हैं तो दोनों का सम angle सम हो जाएगा 180 degree plus angle xon equal to 1. अब आपको इसके सामने रीजन लिखने की जरूरत नहीं है linear pair, क्यों? क्योंकि आपने ऊपर ही लिख दी ना वो लाइन कि ये linear pair बना रहे हैं, समझ रहे हो? ये लाइन ऊपर ही लिख दी. हाँ, अगर ये लाइन ना लिखते, जल्दी में होते ये लाइन ना लिखते, सीधे ये स्टेटमेंट लिखते, तो फिर सामने रीजन डाल देते हम लीनियर पेयर. दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं. ठीक है? यस सर. चलिए अब एमओ एक्स और एक्सओ एन. तो एमओ एक्स तो है मेरा बी और एक्सओ एन है मेरा सी, राइट? यस और नो? अच्छा जी, बी की वैल्यू निकाल चुके हो 54 डिग्री, सी निकालना है, निकालो. आंसर आ गया, सी की वैल्यू हो जाएगी 54, उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री क्या होगा 6 टू 126 डिग्री आंसर, राइट? देयरफॉर द वैल्यू ऑफ सी इज 126 डिग्री आ जाएगी. और अगर आप ए से चलते तो क्या करते, फिगर के अंदर ही देख लो. अगर आप ए से चलते तो क्या करते, ए की वैल्यू क्या आई थी पहले बताओ? 36 डिग्री. तो हम क्या करते, यहाँ पे ए की वैल्यू 36 डिग्री मान लेते हैं, मतलब आ चुकी है इसको. हाँ, इसमें 90 डिग्री जोड़ दिया हमने, ये वाला इधर वाला एंगल 36 और 90 क्या होता है 126, यानी ये टोटल एंगल कितना हो गया 126. अब अपन सीधे सीधे वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहे हैं तो दोनों बराबर होंगे, वो 126 तो ये भी 126. इस तरीके से भी कर सकते. क्लियर है? यस सर. चलिए तो आज के लिए काफी है, दोनों तरीके मैंने बता दिए. कल हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे. कितने क्वेश्चन हैं टोटल? टोटल कितने भैया? 60 क्वेश्चन हैं. तो कल हम 100% इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, और टाइम मिलेगा तो आगे का पैरेलल लाइंस यानी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस का कॉन्सेप्ट भी शुरू कर, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब पैरेलल लाइन, ये भी शुरू कर देंगे. चलिए आज के लिए काफी है. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस. हैव अ नाइस डे. कीप लर्निंग एंड बाय.